कुदरत को जब क्रोध आए और वो अपना रौद्र रूप धारण कर ले तो शहर शहर भय डर खौफ तबाही और बर्बादी सामने नजर आने लगती है। आधा हिंदुस्तान इसी क्रोध का शिकार है, महाराष्ट्र हो गुजरात हो, अब जिधर देखेंगे प्रकृति का विकराल रूप नजर आएगा। पहाड़ों से मैदान की ओर आती नदियां कहर बरपा रही हैं। यूपी उत्तराखंड में नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, राह में चट्टानी मुसीबत का डेरा है। वहीं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र और गुजरात में भी सैलाब का बसेरा है। बात सिर्फ देश की ही नहीं विदेश की भी करेंगे। एक ऐसे तूफान के बारे में आपको बताएंगे जिसने तीन देशों में कोहरा मचा रखा है, लेकिन अभी इस सैलाबी सितम की पड़ताल करेंगे, लोगों की परेशानी आपके सामने रखेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। पुणे से आप देख सकते हैं मंदार गुंजारी नजर आ रहे हैं आपको, कृष्णा ठाकुर नौसारी से आपको दिख रहे होंगे और नितिन चौहान बड़कोट से हमारे साथ जुड़ गए हैं, जयप्रकाश त्रिपाठी बलौदा बाजार से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी से मैं आगे बातचीत की शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले अभी जो बड़ी खबर है वो दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। गुजरात पर भारी बारिश का जबरदस्त असर देखने को मिला है। तेज बारिश के कारण जीरा झरना उफान पर है और डांग में जीरा झरना का रौद्र रूप नजर आया। झरने की तेज बहाव से आसपास के लोग डरे हुए हैं, लोगों को झरने के पास न जाने की हिदायत दे दी गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस झरने का रौद्र रूप नजर आ रहा है और तस्वीरों में जो जल का प्रवाह दिख रहा है यकीनन बहुत डराने वाला। ये डांग गुजरात की तस्वीर आपके सामने है और ये वो झरना जिसका जिक्र मैं आपसे कर रहा था। हर तरफ पानी का सितम देखने को मिल रहा है। देखिए गुजरात के जो ज्यादातर जिले हैं भयंकर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई नदियां उफान पर हैं। नौसारी में अंबिका कावेरी और पूर्णा नदी के उफान के बाद निचले इलाकों में सैलाब आ गई है। लगातार बारिश के बाद किस तरीके के हालात है ये देख रहे हैं आप। नौसारी ये शहर है, ऐसा लग रहा है कोई टापू हो कोई आइलैंड हो, चारों तरफ पानी ही पानी, हर तरफ पानी का सितम। लोगों के घर डूब गए हैं, बाजार हो दुकान हो मार्केट का एरिया हो, हर तरफ आप देख रहे हैं पानी फैला हुआ। और ये देखिए गाड़ियां जहां तहां फंसी हुई दिख रही हैं आपको, ये देखिए छोटी छोटी कारें, और ये जो हाई राइज बिल्डिंग है इसमें फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पूरी तरीके से डूबा हुआ, ये देखिए ये आप देख पा रहे हैं लोगों के घरों में पानी घुस गया है। ये कितनी बड़ी तबाही इसका अंदाजा आप लगाइए। और ऐसे में प्रशासन की तमाम कोशिशें भी नाकाफी साबित हो रही है। नवसारी गुजरात की तस्वीर, घरों में देखिए लोगों के, जो मैं कह रहा था आपसे, ये देखिए लोगों के घर बार कैसे पानी, ये देखिए पानी अंदर घर, ये एक मंदिर है, ये मंदिर के अंदर भी आप देख रहे थे पानी घुस गया है। मैं आपको लिए चलता हूं कृष्णा ठाकुर के पास, इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। कृष्णा, अभी इलाके में क्या हालात है, क्या स्थिति नजर आ रही है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है जो लोग इससे इसके शिकार हुए हैं बाढ़ और बारिश से? देखिए अखिलेश, गुजरात में बीते एक हफ्ते से कुदरत का कहर जारी है और इसी वजह से गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर नदियां उफान में हैं और उस वजह से जो निचले इलाके हैं नदी के आसपास के इलाके उनमें जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बहरहाल मैं इस वक्त मौजूद हूं गुजरात के नवसारी में और नवसारी का ये आप इलाका देख रहे हैं जकात नाका इलाका है। इस वक्त पूर्णा नदी जो है वो अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूर्णा नदी का जो खतरे का लेवल है वो 23 सेट किया गया है, 23 सेट किया गया है, लेकिन इस वक्त जो पानी का स्तर है वो 29 से 30 के बीच में बह रही है पूर्णा नदी। और इसीलिए आप देखिएगा कि जो नदी से सटे हुए जितने इलाके हैं जिस लोकेशन की मैं बात कर रहा हूँ करीब 1.5 से 2 किलोमीटर का फासला है और आप देखिए कि उस वजह से ही यहाँ पर कई लोग फंसे हुए नजर आ रहे हैं। जिन लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ जाना है उनको ट्रैक्टर के इस्तेमाल से, मिनी ट्रक के इस्तेमाल से छोड़ा जा रहा है। आप देखिएगा तस्वीरों में तो आपको साफ तौर पर गुजरात पुलिस के कई जो कर्मचारी हैं वो नजर आएंगे, वो लगातार लोगों को समझा रहे हैं बुझा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अगर जरूरी काम ना हो तो वो आगे ना जाए। बाकायदा आप जैसे जैसे आगे तक देखिएगा तो करीब 6 से 7 फीट तक पानी जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। सिर्फ नवसारी ही नहीं बल्कि गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर इस वक्त मूसलाधार बारिश हो रही है। नवसारी की हालत उनमें से एक है और खराब लगातार हो रही है। आप देखिए कि किस तरीके से जो घर हैं वो पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गए हैं। मंदिर आपको आगे की तरफ दिखाई देगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा अनिल से कि ये स्कूल की तस्वीर दिखाए, स्कूल है ये टाटा नगर स्कूल और ये स्कूल की तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से स्कूल भी पूरी तरीके से पानी में जलमग्न हो गया है। वहां पर भी कुछ लोगों ने आश्रय लिया हुआ है। लगातार प्रशासन की तरफ से जो है लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। जानकारी जो हमें मिली है वो ये मिली है कि
देर रात से ही बारिश हो रही थी, उस वजह से पूर्णा नदी का जो जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है और यही कारण है अखिलेश कि कम से कम 100 से 150 से लोगों को इस वक्त प्रशासन की तरफ से। ठीक है कृष्णा, आप नजर बनाकर रखिए, जैसे ही कुछ अपडेट होगा मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा, आगे भी हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन अब मैं दर्शकों को जरा उत्तराखंड का हाल दिखाना चाहता हूँ। यहाँ भी उफान पर है यमुना नदी, यमुनोत्री से सटे होटल ढाबे पानी बह चुके हैं और लोग बचने के लिए जान बचाकर वहां से भागे। पार्किंग के अंदर घुसा यमुना का पानी, जानकी चट्टी में कई गाड़ियां मलबे में फंसी हुई हैं। तो ये तस्वीरें हम यहां की आपको दिखाएंगे, जानकी चट्टी में किस तरीके से लोग फंसे हुए हैं, गाड़ियां फंसी हुई हैं। लेकिन पहले मैं जरा पुणे आपको लिए चलता हूं, हमारे साथ तो वहां से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं वहां पर सुप्रिया सुले पहुंची हैं। ये देखिए तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे एनसीपी की लीडर सुप्रिया सुले भी वहां पर मौजूद हैं, मेरे सहयोगी मंदार भी वहीं पर मौजूद हैं। जी उनसे क्या बात कर पाएंगे सुप्रिया सुले से? मंदार, आज तो बारिश रुकी है लेकिन जो नुकसान हुआ है लोगों का वो पहले हम दिखाने की कोशिश करेंगे। इस घर में हम हैं और हम देख सकते हैं कि इस घर में जो भी कुछ था वो पानी की वजह से यहाँ पर ऐसा अस्त व्यस्त हो गया है, पूरी तरीके से खराब हो गया है। घर का हर एक जो कोना है वो मिट्टी से भर गया है और यहाँ पर भी अगर हम देखें तो पूरी तरीके से यहाँ पर लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ था। पानी तो उतर गया लेकिन उतरते समय पूरी लोगों की बर्बादी कर गया है। यहाँ पर हम देख सकते हैं घरों के जो पूरी जो यहाँ पे एक दुकान थी, पहले हमने घर दिखाया उसके बाद यहाँ पे दुकान थी, एक छोटा सा बिजनेस था, वो पर पूरी तरीके से चौपट हो गया है। और यहाँ पर सुप्रिया सुले पहुँच गई हैं जो यहाँ की सांसद हैं, यहाँ पर यहाँ से वो चुन के आती हैं और यहाँ के लोगों से वो बात कर रही है और लोगों को जो समस्याएं हैं जो दिक्कतें हैं वो इन दिक्कतों को जानने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर लोग उनकी दिक्कतें सुप्रिया सुले को बता रही है। यहाँ पर हम सुप्रिया सुले से बात करने की कोशिश करेंगे। ये लाइव है, आप इनसे बात कर रही है तो क्या यहाँ के हालात आपके सामने अभी शुरू हो गए? आप देख रहे हैं जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार और पूना की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने बिल्कुल कोई प्लानिंग नहीं की। अगर लोगों को पहले बताते थे, आधा पौना एक घंटा भी लोगों को मिल जाता तो बहुत कम नुकसान होता। और ये कोऑर्डिनेशन पूना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और इरिगेशन डिपार्टमेंट दोनों का कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ, बहुत सारा नुकसान आज यहाँ हुआ है। और उसके बाद भी गवर्नमेंट ने जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस गति से लोगों को मदद करनी चाहिए वो नहीं हो रही है, दिख रहा है। पुणे शहर में बहुत ऐसे काम है कि जो बहुत दिनों से जो है वो वैसे ही पड़े हुए हैं, उसकी वजह से भी जल भराव जो है वो देखा जा रहा है। ये बहुत सारे कारण है, मुझे याद है जब स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट आया था तब सबको उम्मीद थी कि स्मार्ट सिटी में कुछ होगा, लेकिन आप देख रहे हैं पूना में इंफ्रास्ट्रक्चर के बिग टेक प्रोजेक्ट्स के बारे में हमेशा कहा जाता है और गतिमान सरकार बने नहीं क्या क्या करके कहा जाता है जब, लेकिन आम आदमी इस राज्य के, इस देश के, इस गांव के, इस नगरी के नागरिक जो टैक्स भरते हैं उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा कहीं नहीं मिल रही है। बड़ी लोग बहुत दुख में हैं और अब पूरा न किसी का इंश्योरेंस हुआ है तो अभी इनको न्याय कैसे मिलेगा? सरकार ने इंटरवेंशन करना चाहिए। और मुझे याद है जब सांगली में हुआ था तब सबने बहुत अच्छा काम, सबने मिलके, फिर वहाँ कोई राजनीति नहीं हुई थी, लेकिन पूना में ऐसे दिख नहीं रहा है। पूना में दिख नहीं रहा है। ये महिला है, आपका ये घर है तो थोड़ा सा आप हमें दिखाएंगी कि ये यहाँ पे क्या क्या था और अभी यहाँ ये जो नुकसान है उसके बाद कोई आए यहाँ पे संज्ञान लेने के लिए? कोई नहीं आया है इधर और ये पूरा मेरा 5 मिनट में पानी भर गया, पूरा सा पूरा ये हो गया। आपको दिक्कत ही हुआ, अंदर भी आओ आप, ये देखो यहाँ पे क्या था। इधर ये जो सब कागज पड़े हुए, कागज उधर से आ गए लेकिन ये क्या है? ये
ये बहकर गया है, उधर से बहकर आया है। कहाँ तक पानी था? पानी कहाँ? पानी यहाँ तक था, आप दिखा भी सकते हैं। बिल्कुल मंदार, इन तस्वीरों को देखकर हम समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान है। आप सोचिए किस तरीके से इंसान तिनका तिनका जमा करके अपने आशियाना बनाता है और इस तरीके से अगर पानी की भेंट चढ़ जाए और प्रशासन नाकाम साबित हो, कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। आखिर सरकार किस लिए होती है अगर लोगों तक जल्द से जल्द मदद ना पहुंच पाए। बड़कोट चलते हैं, वहां की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। मंदार में लौटूंगा आपके पास, पुणे का हाल भी दर्शकों तक आगे भी हम पहुंचाएंगे, लेकिन बाकी जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिखाना भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि लगभग एक से हालात नजर आ रहे हैं। शहर बदल जाता है, स्थितियां लगभग वही हैं, और बड़े बड़े जो शहर हैं, जो स्मार्ट सिटीज कहे जाते हैं तथाकथित तौर पर, वहां का हाल देखिए। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरीके से वहां का चौपट। और छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां भी मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। बलौदा बाजार में शिवनाथ नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। बलौदा बाजार बिलासपुर रोड पर आवाजाही ठप है। फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर ऐसा ही लगता है कि मौसम विभाग सिर्फ अपनी तरफ से चेतावनी जारी कर देता है, लेकिन प्रशासन के बाकी जो महकमे हैं उनकी सुस्ती नजर आती है। लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है बारिश की वजह से, खास तौर पर ऐसे लोग जिनके घर ग्राउंड फ्लोर पर होते हैं। घरों में पानी घुस जाता है, सामान बर्बाद हो जाता है, खाने पीने का सामान नहीं बचता। बलौदा बाजार से हमारे साथ जयप्रकाश हमारे सहयोगी जुड़े हैं, सीधे उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। जयप्रकाश, कल भी आपसे बातचीत हो रही थी, परसों भी बातचीत हो रही थी, कुछ हालात बदल पा रहे हैं या वैसा ही मामला बना हुआ है? देखिए, छत्तीसगढ़ के कई जिलों में लगातार रुक रुक कर पिछले 5 दिनों से बारिश हो रही है। कल जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, साथ ही दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह के हालात हैं, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इस वक्त मैं भाटापारा बलौदा बाजार में मौजूद हूँ। ये शिवनाथ नदी के तराई का इलाका है और शिवनाथ नदी एक और जहाँ उफान पर चल रही है, तो जो निचले इलाके हैं वहाँ भी जो है जल भराव की स्थिति देखने को मिल रही है। भाटापारा एक शहर है, लेकिन देखिए कि किस तरह के शहर के ये हालात हैं, और ये तस्वीरें देख लीजिए तो समझ में आ जाएगा कि लगातार बारिश के कारण जो है यहाँ पर जल भराव की स्थिति, लेकिन प्रशासन की तरफ से फिलहाल कुछ किया नहीं जा रहा। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसके कारण जो है लोग लगातार परेशान हो रहे हैं, रातों में सो नहीं रहे, उन्हें डर है कि कहीं जो है पानी का जो भराव है वो ज़्यादा ना हो जाए। साथ ही जो ये देखिए नल की टोटी दिखाऊँगा, ये देखिए लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा, क्योंकि ये नल है और यहीं पर गंदा पानी भी भरा हुआ है। और ये देखिए कि लगभग जो है 3 से 4 फीट का पानी जो है इनकी कॉलोनियों में भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को लगातार जो है समस्या हो रही है। कितनी प्रॉब्लम होती है इस तरह पानी भरता है? पानी गिरते भैया तो पूरा भर जाते, मेरे हर साल के भर जाते पानी, तो पानी निकालना पड़ता है घर से। अंदर तक पहुँच जाता, आ तो खाना भी नहीं बनाया ना। देखिए खाना भी लोगों ने नहीं बनाया है, क्योंकि पहले पानी निकाले कि खाना बनाए। कितनी दिक्कत होती है आप लोगों को? बहुत ज्यादा है, इतनी बार पार्षदी नहीं आवा देकर नाम से बहुत पानी भरे। और कैमरा पर्सन होरीलाल से कहूंगा यहाँ तस्वीरें दिखाए सीधे, जहाँ तक इस बस्ती में पूरा दिखेगा, ये गांधी वार्ड है, लगातार पानी ही पानी है, और लगभग जो खाना नहीं खा पा रहे हैं। सोचिए किस तरीके के हालात है, पीने का स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं है, हर तरफ पानी है लेकिन पीने का पानी नहीं है। सवाल यही कि आखिर प्रशासन के लोग कहां हैं, जल्द से जल्द इन तक मदद क्यों नहीं पहुंच पा रही है। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, लेकिन लौटेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज बारिश और बाढ़ से हिंदुस्तान, आधा हिंदुस्तान कैसे त्राहिमाम है। तो इस बुलेटिन में हम आपको दिखा रहे हैं कि बाढ़ की वजह से, बारिश की वजह से कैसे हिंदुस्तान के कई राज्य बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। अब बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। मानसून में देश की राजधानी दिल्ली पानी पानी हो गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, कनॉट प्लेस से लेकर जनपथ, साकेत मेट्रो स्टेशन, शांति पथ, तमाम जगहों पर आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। सिर्फ एक बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम की पोल खोल दी। कैसे दरिया बनी हुई है दिल्ली, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। ब्रिटिश हाई कमीशन से लेकर ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन, मोती बाग, भीखाजी कामा प्लेस, सरदार पटेल मार्ग, मलाई मंदिर, तालकटोरा स्टेडियम, हर जगह पर एक ही तरह की स्थिति है। और ये देख रहे हैं आप, ये सड़क है जहां से गाड़ियां कुछ ऐसे गुजर रही हैं मानो ये नाव हो तैरती हुई निकल रही है नदी से। क्या मैदान और क्या पहाड़, कुदरत का कहर बदस्तूर जारी है। क्रोध ऐसा कि सब बेबस नजर आ रहे हैं, कहीं नदियां उफान पर हैं, कहीं चट्टान दरक रही है, कहीं सब कुछ मानो तिनके की तरह बह रहा हो। तो आपको टीवी स्क्रीन पर देवभूमि उत्तराखंड की 4 अलग अलग तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे। उत्तरकाशी के यमुनोत्री में यमुना का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है।
भारी बारिश के बाद यमुना में बाढ़ आ गई और इसके बाद यमुनोत्री धाम और उसके आसपास के इलाकों में अच्छा खासा नुकसान हो गया। कारें सैलाब में फंसी हुई नजर आ रही हैं। यही नहीं, पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। रुद्रप्रयाग में भी हालात ठीक नहीं। मदमहेश्वर की यात्रा करने गए तकरीबन 100 श्रद्धालु ऊपर पहाड़ी पर फंस गए। रुद्रप्रयाग में ही कई जगहों पर नदियों में उफान के बाद पुल बहने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसके अलावा रुद्रप्रयाग में श्रीनगर जल बिजली परियोजना की झील जो मलयासू पुल है वहां पर, वो भी पानी के तेज बहाव में डूब गया है। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं, लक्ष्मण राणा हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, कितना बड़ा नुकसान हुआ है, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? लक्ष्मण, आप ही से सवाल है, दिखाइए आसपास की तस्वीरें भी जरा। शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच नहीं पा रही है, दोबारा हम कोशिश करेंगे उनसे हम बात कर सके। तस्वीरें आपको हम एक बार फिर से दिखाते हैं, अलग अलग जगहों से हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश मुसीबत बनी है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। ये यमुनोत्री का हाल आपके सामने। तो पानी का तेज बहाव, प्रचंड प्रवाह हर तरफ नजर आ रहा है। पुल डूबे हुए, लोगों के घर बार डूब चुके हैं। प्रशासन की कोशिश जो भी की जा रही है, प्रशासन की तरफ से जो भी प्रयास किया जा रहा है, उससे लोगों को राहत मिलती हुई तो फिलहाल नजर नहीं आ रही। हर तरफ आप देख रहे हैं पानी ही पानी, और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां भी बुरा हाल है। और लक्ष्मण, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो जरा दिखाइए वहां आसपास का हाल, दर्शकों तक वो तस्वीरें पहुंचाइए। मुझे लगता है लक्ष्मण से संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी खामी है शायद, इसीलिए बार बार दिक्कत आ रही है। हम बात करेंगे एक बार फिर से, वहां हम आपको लिए चलेंगे, क्योंकि वो तस्वीरें दिखानी भी बहुत जरूरी हो जाती हैं। लेकिन कुछ और जगहों की तस्वीर पहले आपको दिखा दें और बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बारिश मुसीबत बनी हुई है, कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। उज्जैन में तो क्षिप्रा नदी उफान पर है, नदी पर बने पुल की रेलिंग हटाई गई। क्षिप्रा नदी के उफान में बाढ़ की आशंका, तो क्षिप्रा नदी का भी हाल बेहाल, वहां पर भी बहुत ज्यादा पानी, हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। लोग त्राहिमाम हैं, त्रस्त हैं, परेशान हैं। मध्य प्रदेश में भी बारिश मुसीबत बन गई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये क्षिप्रा नदी की तस्वीर आपके सामने है। ये उज्जैन में किस तरीके से लबालब भरा हुआ, ये नदी हर तरफ से लबालब भरी हुई दिख रही है पानी से। मध्य प्रदेश के लोगों के लिए भी बारिश किस तरह से मुसीबत बनी हुई है, उसकी वानगी ये तस्वीरें हैं। कुछ और जगहों से भी जो तस्वीरें हमें मिल रही हैं, वो भी आपको हम दिखाएंगे। फिलहाल ये उज्जैन की तस्वीर है। और अब मेरे साथ लक्ष्मण सिंह जुड़ गए इसी खबर पर, और अधिक जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लक्ष्मण, क्या तस्वीर आप देख पा रहे हैं, किस तरीके, विक्रम माफ करिएगा, विक्रम आपका नाम है, विक्रम क्या देख पा रहे हैं अपने आसपास? जी जी जी, देखिए ये जो क्षिप्रा नदी का जो आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी लबालब हो गई है। आम दिनों में ये क्षिप्रा नदी का जो जल है वो आम दिनों में जो इतना लबालब नहीं रहता है। और आप देखिए यहाँ पर जो घाट है, वो घाटों पर जो पुल बना हुआ है, उस पुल पर लगातार जो पुलिस कर्मी सुरक्षा कर्मी है वो यहाँ से लोगों को हटा रहे हैं। क्षिप्रा नदी में कभी भी जल स्तर और अधिक बढ़ सकता है, रुक रुक कर बारिश हो रही हो, खास तौर पर जो इंदौर और देवास में जो बारिश होती है उसका असर भी उज्जैन में पड़ता है। मोक्ष दायिनी क्षिप्रा नदी के दर्शन करने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। लेकिन आप देखिए अभी फिलहाल जो घाट का मैं आपको नजारा दिखाऊंगा कि जो घाटों पे पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है, और जो घाटों को जोड़ने वाला पुल है वो भी कहीं ना कहीं क्षिप्रा नदी उस पुल के आसपास जो है वो पूरी तरीके से लबालब है। और पूरी तरीके से क्षिप्रा नदी पर जो घाटों पर पुलिस कर्मी है उन्होंने निगाह रखना शुरू कर दिया। आप देखिए, ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ वहाँ पर लगातार ये जो तैनाती की गई है ताकि किसी तरीके का कोई हादसा ना होने पाए, एहतियातन प्रशासन की तरफ से ऐसे कुछ कदम उठाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश की अब मैं बात करना चाहूंगा, कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है,
लगातार बरसात से नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। नदी के कटान में किसानों के खेत समाते जा रहे हैं। शारदा नदी के उफान से ग्रामीण जो हैं वो खौफ में हैं। खेत जो उनके हैं वहां एक बड़ा हिस्सा उस खेत का जलमग्न हो चला है। दिव्यांकर तिवारी हमारे सहयोगी वहीं पर मौजूद हैं। दिव्यांकर, जी बिल्कुल, देखिए अखिलेश, मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे ठीक पीछे वाली जो तस्वीर है, यहाँ आपको लाल पीली नीली रंग की पल्लियों के नीचे लोग रहते हुए साफ तौर से नजर आएंगे। इसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, क्योंकि दाहिनी ओर अगर आप देख पाएंगे तो किस तरह से जो लोगों के घर हैं वहां पर पानी भरा हुआ नजर आएगा। यहां से 200 से 300 मीटर दूरी पर जो शारदा नदी बहती हुई आपको साफ तौर से तस्वीरों में नजर आएगी, और जब ये इस नदी का पानी उफान लाया तो उसके बाद जो गाँव है, सबसे नजदीक वाला जो गाँव है, वो काफी ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके चलते लोगों का ठिकाना जो है वो फिलहाल सड़क किनारे इस तरह से पल्लियों के नीचे लोग रहते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है साफ तौर से कि एक तरफ झाड़ियां हैं, कांटे वाले जो पेड़ हैं वो हैं, और दूसरी तरफ बड़ी गाड़ियां जब यहां से तेज रफ्तार से गुजरती हैं तो उन्हें काफी ज्यादा डर लगता है। सामने आप देख पाएंगे किस तरह से बिल्कुल रोड के किनारे ये लोग यहाँ पर रहते हुए आपको नजर आएंगे। छोटे छोटे बच्चे हैं, महिलाएं हैं और बड़े बुजुर्ग हैं यहाँ पर रहते हुए। तकरीबन 50 के आसपास जो ये काली नीली पल्ली के नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या उनके यहाँ पर घर बने हुए, और तकरीबन 500 से 700 जो लोग हैं वो यहाँ पर प्रभावित होकर या उससे ज्यादा भी संख्या जो है वो इनकी हो सकती है। लेकिन सवाल है कि सरकार कहाँ है, प्रशासन कहाँ है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि लोग सड़कों पर बसेरा कर लेते हैं जब इस तरह से बाढ़ जैसे हालात होते हैं, क्योंकि सड़कें ऊंची होती हैं अमूमन जो उनका निर्माण किया जाता है। लेकिन अब यहां पर प्रशासन की तरफ से मदद भी तो पहुंचनी चाहिए, इन लोगों के लिए खाने पीने की व्यवस्था भी होनी चाहिए। रेस्क्यू की एक और तस्वीर दिखाते हैं आपको उत्तराखंड से। यहां मदमहेश्वर के पास 100 से ज्यादा टूरिस्ट फंस गए। हालात ऐसे हैं कि प्रशासन को हेलीकॉप्टर तक की मदद लेनी पड़ी है। एक एक करके 100 से ज्यादा यात्रियों को फिलहाल यहां से बाहर निकाल लिया गया है, तो हवाई मार्ग से इन्हें यहां से निकाला जा रहा है, हेलीकॉप्टर की मदद ली गई है। ये रुद्रप्रयाग की तस्वीर आपके सामने, उत्तराखंड की तस्वीर। मदमहेश्वर की ओर जो लोग गए थे वहीं पर फंस गए और फिर कोई रास्ता नहीं था कि उन्हें बाहर निकाला जा सके। और इस खबर पर हमारे साथ लक्ष्मण राणा हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण, किस तरीके से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जरा विस्तार से बताइए। जी देखिए, मदमहेश्वर ट्रैक पे कई टूरिस्ट वहां पर फंस गए थे। जो स्थानीय प्रशासन रुद्रप्रयाग का है, उन्होंने वहां पर रेस्क्यू अभियान चलाया हेलीकॉप्टर के जरिए। वहां पर जो 50 जो पर्यटक थे उनको रेस्क्यू करने के बाद जिला मुख्यालय रुद्रप्रयाग लाया गया है, और अब वे बिल्कुल सुरक्षित हैं, क्योंकि सुबह से ही DM जो सौरभ गहवार हैं रुद्रप्रयाग के, वो इस रेस्क्यू ऑपरेशन की जो मॉनिटरिंग वो सुबह से कर रहे थे। और इसके बाद जो 50 जो टूरिस्ट थे जो मदमहेश्वर ट्रैक पे फंस गए थे, क्योंकि चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद में लगातार बारिश हो रही है। अगर गोपेश्वर की अगर बात करें, जिला मुख्यालय चमोली का कहा जाता है, यहाँ पर भी कई सड़कें बंद हैं। नंदप्रयाग से नंदानगर को जोड़ने वाला जो मोटर मार्ग है, डेडलाइन मोटर मार्ग है, वो पूरी तरह ध्वस्त हो गया। करीब 45,000 की जो आबादी है वो फंस गई है और आवाजाही बिल्कुल वहां पर रुक गई है, लोग काफी परेशान है। हालांकि विभाग की ओर से कुदरत के प्रकोप से मध्य प्रदेश भी नहीं बच पाया है। तस्वीरें हम आपको कुछ दिखाते हैं राज्य के कटनी इलाके की। यहाँ पर बीते 24 घंटे से हालात में सुधार तो हुआ है, पानी के तेज बहाव में कमी आई है, लेकिन लोग अभी भी फंसे हुए हैं जहां तहां। बारिश भी रुक रुक कर अब हो रही है। ये देखिए, बैलकुंड और हिरन नदी का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जरा सोचिए भारी बारिश में जिनके कच्चे मकान थे वो कैसे अपने आशियाने को खो चुके होंगे। पानी कम होने के बाद बस यही देख पा रहे हैं हम यहां पर कि कुछ वक्त पहले कुछ जगहों पर जो मकान थे, लोगों के मिट्टी के बने मकान, वो बह चुके हैं। और कटनी इलाके में किस तरीके के हालात हैं आपको बताएंगे मेरे सहयोगी इस वक्त नितिन मौजूद है मेरे साथ। नितिन, अखिलेश जी बताना चाहूंगा, कटनी जिले के पिपरिया गांव में मौजूद हूँ। बाढ़ से एक दर्जन से अधिक गांव चपेट में आ गए थे, जिनका गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो चुका है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं, ये पूरा मकान है पिपरिया गांव में जो क्षतिग्रस्त हो गया पूरी तरह। इस तरह से हजारों मकान है जो इसी तरह बाढ़ की चपेट में आने से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और जो यहाँ के लोग थे वो राहत शिविर केंद्र उमरिया पान गाँव में है, मगर कुछ महिलाएँ आई हैं क्योंकि पानी उतर चुका है। अब इन्हीं से हम सीधे बात करते हैं। ये आपका पूरा मकान तो क्षतिग्रस्त हो गया, पूरा गिर गया बाढ़ से? हाँ, पूरा हमारा मकान गिर चुका है और हमारा पूरा अनाज गल्ला भी बह चुका है, जो हमारे कैश थे वो भी बह चुके हैं, और ये
पूरी ये हमारे ये पूरी दुकान बैठ गई है, दुकान का सामान पूरा ऑल टू ऑल बह गया। इतना पानी था यहाँ पर 3 दिन तक इधर से पूरा इधर से भरा था। अखिलेश यहाँ पर 3 दिन तक लगातार बाढ़ का कहर था, और ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल 15.31 इंच तक बारिश हो गई है। कई जिलों में लगातार बारिश का दौर जारी है और कटनी जिले में भी लगातार बारिश है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश सरकार ने निर्देश दिए हैं, राहत केंद्र भी खोल दिया, लेकिन बाढ़ इलाके में जहां हम घूम रहे थे ये लोग बहुत परेशान हो रहा है। इनका कहना है कि 3 दिन से यहां पर लाइट नहीं है, टूट जाए ध्वस्त हो जाए। आप समझ सकते हैं किस तरीके की उनकी इस वक्त सोच होगी, किस तरह वो परेशान होंगे। कुदरत के कहर के आगे इंसान बिल्कुल बेबस नजर आ रहा है। आपको कुछ और तस्वीरें अब मैं दिखाता हूं। पानी में बहती स्कूटी आपको नजर आएगी अपनी स्क्रीन पर, आप देखिएगा। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है। आपको इसके पीछे हम आप दिखाएंगे हेलमेट पहने हुए लड़की दौड़ती जा रही है। कोशिश में करूंगा जल्द से जल्द अगर वो तस्वीरें आपके सामने हम ला सकें। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, शायद ये इस लड़की की स्कूटी है जिसे सैलाब अपने साथ बहा कर ले जा रही है। अब उसे पकड़ने की शायद ये कोशिश कर रही होंगी, लेकिन अब इस बहाव में वो कहां स्कूटी को पकड़ पाएंगी। इसी तूफान की एक और तस्वीर भी आपको दिखाएंगे हम। लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है, लोगों को सामान का नुकसान हो रहा है, गाड़ियां बह जा रही हैं, स्कूटी बाइक। अब एक तस्वीर ये देखिए, हवाएं किस रफ्तार से चल रही हैं, सड़क पर रफ्तार से बातें करने वाली कार भी आगे नहीं बढ़ पा रही है, इतना इस हवा में इतनी गति है। इन हालातों में आप कल्पना कर सकते हैं किस तरीके से लोगों का वहां पर जीना मुहाल हो गया होगा।